टाटा भाई भाई लाल पड़ी भाई दादा सेंट्रल एवेन्यू का जाम भाई साहब सोचा कि टांदी के जड़े जा क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है दिखाएंगे आपको इतना वेट करवा लिए मुझे हाँ और रास्ते में बहुत मिल गया 20 मिनट से वेट कर रहे इसको लेके आज तो और तुम्हारा मन तो शायद थोड़ा खराब है टाटा भाई भाई लाल पड़ी कहाँ चली आते वक्त ही बहुत खराब लग रहा था हर एक सेकंड मतलब इसके साथ जो बिताए थे हर एक मिनट घंटे बहुत याद आ रहा है। Hey guys, welcome to Bonny's Nation and new watching Bonny Vlogs. I hope you guys are doing absolutely fine. आप लोगों को शायद थंबनेल देख के पता चल गया कि क्या हो गया मैं लास्ट प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बोला था कि वन का बाइक थोड़ा दिक्कत दे रहा है तो शायद हम लोग सेल भी कर सकते हैं या फिर नहीं सेल कर सकते हैं। आज हम लोग जा रहे जहां से हम लोग लिए थे विवान का सेकेंड हैंड बाइक तो हम लोगों को बोला गया है बाइक पहले लेके आओ उसका बाद पता चलेगा क्या है बाइक का कंडीशन क्या है पहले देखेंगे। अभी आ गया है विवान जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। बाय द वे लोकेशन क्या है? लोकेशन है दक्षिणेश्वर मतलब हिंद मोटर। हम लोग जाएंगे हिंद मोटर। हिंद मोटर में आज R15 वर्शन 4 रेड कलर का जो लाल परी हम लोग का लेके जाना पड़ेगा। बहुत दूर है 40 किलोमीटर है शायद 32 अप डाउन करके 60-70 तो हो गई 38 किलोमीटर लॉन्ग रूट। आज हम लोग का टेस्टिंग होगा स्पेशली उसका टेस्टिंग होगा R15 का और मेरा भी टेस्टिंग होगा। मैं पीछे बैठूंगा तो गाइस आज का ब्लॉग शुरू करता हूं। आशा करता हूं आप लोग ये ब्लॉग काफी अच्छा लगने वाला है। चलिए ज्यादा वेट ना करते ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये निब्रा होके बहुत घूमना पड़ा है लाइक निब्रा मतलब निब्रा से जाना पड़ेगा ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा पूरा मैप में दिखा रहा है पर हम लोग वो बहुत लॉन्ग होगा ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर हो जा रहा है मतलब 1 आवर 30 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा के करीब हो जा रहा है। मेरा हेलमेट ऐसा ही हम गरीब है ये बाइक तुम्हारा है बहुत पैसा वाला मेरा गरीब हेलमेट गरीब बाइक का गरीब हेलमेट और मैं इंसान हूँ गरीब है गरीब। आ गया विवान जाएंगे गाड़ी पे अभी चार माला पे बैठेंगे चार माले पे बैठ के अभी जाएंगे हम लोग कहाँ हिंद मोटर हावड़ा ठीक है। इधर है सातरा गाची तुम्हारा बड़ा नगर हम लोग इस साइड से सीधा जाएंगे ठीक है। फोन नंबर पे मेरा डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा तुरंत। डर बढ़िया था 1 लीटर वाली वाला तो नहीं ठीक सब सामने आके ही रुक जाता है पूरा। अरे साइड का अंदर दादा रुक जाओ राइट बंद हो गया सिग्नल। सेंट्रल एवेन्यू का जाम भाई साहब जाम देख लो विवान अभी शाम को मतलब 7 भी नहीं बजा जैम कितना देखो बाप रे। अभी भी कितना किलोमीटर है फिर भी 20 किलोमीटर है तुम्हारा ठीक है आराम से चलाओ। बड़ा नगर कितना किलोमीटर है? इधर से 20 किलोमीटर है बड़ा नगर मतलब भयानक जैम है। पूछ ले रहे दादू बोल जी शाम बाजारटा कौन दिक किया भाई जाबो एदिके गिया जाए एदिके रास्ता चले गए जाए बाहर সোজা গিয়ে ডান দিকে যেটা যাচ্ছে ওইটা ধরে কি একদম সোজা একদম সাপ বাজার মোড়। ওকে ওকে থ্যাংক ইউ লেফট জানা श्याम बाजार मोड़ है श्याम बाजार मोड़ से लेफ्ट भाई साहब बहुत जाम है अभी भी तुम्हारा 11 किलोमीटर 31 मिनट दिखा रहा है। अखिलेश्वर ब्रिज इधर से पकड़ते हो ना? हाँ यही दिखा रहा है। हाँ लेफ्ट टर्न लो। अरे ये लेफ्ट नहीं ये तो पेट्रोल पंप है जो भी हो चलो चलो पेट्रोल पंप में घुसा दिए रुक जाओ अभी भाई साहब ये जो रास्ता है ना विवान मेरा फेवरेट रास्ता ये वाला पीछे पीछे दक्षिणेश्वर मंदिर दिख रहा है जय माँ आप लोगों को दिख रहा है ये रास्ता मेरा फेवरेट रास्ता है काफ़ी बहुत बढ़िया लगता है। हम लोग इस वाले रास्ते से चले गए थे हम लोग गलती से गए आप लोग जो देख रहे हो बाय में फ्लाई ओवर उसमें से हम लोग चले गए थे और भी देखिए प्रॉपर रूट में मतलब हम लोगों को कम से कम 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ा फिर आना पड़ा मतलब 12 किलोमीटर ऐसे ही हम लोग एक्स्ट्रा कवर कर लिए। कैसा लग रहा है इधर चला के? नया बाइक आएंगे लेके आएंगे पूजा करवा लेना दक्षिणेश्वर में नया बाइक का ऐसा बस। उत्तर पाड़ा प्रवेश द्वार उत्तर पाड़ा का ये तुम्हारा एंट्रेंस है मस्त बनाया बोलो कलकत्ता से कम नहीं है बढ़िया लग रहा है देखने को भाई। उत्तर पाड़ा तो पूरा चेंज हो गया है बहुत छोटे में आए थे बाप रे पूरा अलग ही हो गया है उत्तर पाड़ा। मेरा एक दोस्त रहता है कुंडू बोल के दीपम का दोस्त भी है मस्त है भाई गन्ना इतना डर लग रहा था 120 में मतलब हम लोग गलती से चढ़ गए थे इतना देर में हम लोग उतरेंगे वो फ्लाई ओवर से बहुत भयंकर लग रहा था यार। तो मैप में देखो अपलोड अपडेट ही नहीं हुआ हम लोग यूटर्न ले भी लिए क्या घटिया है भाई। अभी हम लोग जाके थोड़ा रेस्ट लिए और सिर्फ 10 मिनट बाकी है हालत खराब हो चुका है बहुत हालत मतलब बाइक से आना बहुत मुंह का बात नहीं है। बाइक बाजार कहाँ रखे साइड में नहीं पीछे वाला है थोड़ा सा पीछे हो गया बाइक बाजार करके लिखा हुआ है वो वहाँ पे जाना है घुमा ले घुमा लेते हैं। आ चुके हैं गाइस बाइक बाजार जाकर हम लोग बाइक लेते
ये रहा आकाश गाड़ी घुमा रहा है। सो हे गाइस, हम लोग आ चुके हैं जहाँ से विवान ने बाइक लिया था, उसका लाल बड़ी प्रियो बाइक R15 वर्जन पर रो रहा है बेचारा, देना पड़ रहा है। तो एनीवेज आ गए बहुत मशक्कत करने के बाद, अभी आ रहे, वो आ रहे बोल दिया। क्या वजह होने होगा भाई साहब, गाड़ी देखिए पूरा आपका शोरूम का शोरूम से भी ज़्यादा है, भर्ती गाड़ी रखा हुआ है। जैसे रिवील कर दे क्या? नहीं रिवील नहीं करेंगे, आप लोग पूरा देखते रहिए। फिर भी चला पा रहा है, यही बहुत बड़ा बात। एक पाँव प्रॉब्लम है ना, बोल रहा हूँ जब पहला दिन लिया था किलोमीटर मैंने फोटो उठा के रखा है। हाँ किलोमीटर नहीं पाएंगे मैंने दादा। आ गया चाचा, आ गया एक हीरो माफिक लग रहा है भाई। हीरो हीरो कोई भी चला रहा है तो अच्छा। बैलेंस क्या है? बोले बैलेंस क्या है आपका? अगर नहीं हुआ तो गाड़ी तो चेक करके ले लिया है, तो अभी कैश या फिर आपका हाफ पेमेंट करना है कैश में या फिर बैंक में। खुशखबरी है कि एटलीस्ट गाड़ी ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हम लोग मतलब नॉर्मली चलाए भी नहीं थे। टेंशन हो रहा है जो खर्चा हुआ वो तो बोलो उनको, इतना पैसा तो मैं लाइफ में कभी भी नहीं रखा हूँ। तो ध्यान से सब, अब पैसा अच्छे से रखो। बिल भी लाया आपको दिखाने के लिए, आपको पता है सब आप कुछ चेक करके भी नहीं, आप बोले आपको तुरंत गाड़ी मिला ये वो वगैरह, बट हम तो लेने का हमको दिए जो दिक्कत है आपको चेक किया बोले, पहले ये देख लीजिए आप। वो आपको नहीं देखना है, उसे वहाँ मिलेगा नहीं, देखे काम तो फोन में ही बोल दिया। फिर ये तो मेरा ही घाटा हो गया ना, घाटा तो हो गया। पीछे का जो है ना वो क्योंकि इतना पता नहीं ना कि इन्वेस्ट हो जाएगा, आप बोले गाड़ी सही है इस बोल के लिए डेट मार देना। चाबी अपने पास रखना मत, नहीं दे देगा जितना जल्दी हो पाए। चाबी अपने पास रखना मत, ये समझो लॉजिक बात है, कभी जिंदगी में कभी वो गाड़ी चोरी हो गया हाँ, इंश्योरेंस वाला पूछेगा एक चाबी तो मेरे पास था, एक चाबी कहाँ है तुम्हारे पास, बोलेगा कैसे खा जाएगा तुम जिंदगी में भूल से चाबी वहाँ पे। चाबी इतना जल्दी हो पाएगा दे दो तुम, दे देगा हम हाँ तुमको एक सजेशन देगा, छोटा चाबी का जगह है ओ ये खोल लीजिए गैरेज का है, गैरेज का चाबी भी दे। अरे अंकल थैंक यू। सो हे गाइस, हम लोगों के हाथ में भी बाइक नहीं है, बाइक का सिर्फ हेलमेट रखा हुआ है, और अभी हम लोग आ गए दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन में, अभी जाएंगे थोड़ा टॉयलेट लग गया, थोड़ा टॉयलेट करके हम लोग खाली करके अभी जाएंगे घर के तरफ। बहुत दुख लग रहा है तुमको, दुख लग रहा है पहले मुँह क्या थे, चलो सिर्फ कॉन्टेंट 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 आ गए। चल लिफ्ट में हम लोग पहले जाएंगे, दुबई का बीच गाना चल रहा है पूरा फुल कॉपीराइट। दक्षिणेश्वर मेट्रो काफी बढ़िया कर दिया, मैंने बढ़िया से ही शुरू किया। और कैसा लग रहा है? थोड़ा जल्दी आ गया है। सो हे गाइस, आफ्टर ऑल हमने R15 वर्जन 4 जो रेड कलर का था वो भेज दिया, बहुत सारा प्रॉब्लम दे रहा था, सेकेंड हैंड भी था और बाहर से इतना आपका जो वेल पॉलिश था बहुत, बट अंदर से बहुत सारा प्रॉब्लम दे रहा था, स्पीड का इश्यूज हो रहा था, माइलेज का इश्यूज हो रहा था बहुत ही ज़्यादा, और बहुत सारा अभी भी खर्चा करने बाकी था। हम लोग कर लेते बट करने के बाद अगर सही नहीं होता, इंजन में प्रॉब्लम आता तो फंस जाते, वैसे ही हम लोग 1.5 लाख से ज़्यादा से खरीदे
तो एनीवेज हम लोग को पूरा पैसा मिल गया, अच्छे से सब कुछ हो गया, डीलर भी काफी अच्छा था, सब कुछ नेगोशिएट करके सब कुछ हो गया है। तो छोटा सा प्यारा सा व्लॉग, आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को जाकर अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल प्रेस कर दीजिए, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। आप लोग काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो। प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। हियर बॉनी व्लॉग साइनिंग ऑफ। बाय गाइस।